जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको ये आपको यहाँ से फ्रेम दिख रहा होगा और यहाँ से जैसे कि पॉइंट यहाँ से फिर दिया छात्रों को धोखा। सेकंड पॉइंट है फिर बदली आंसर की। मैं इसे विद प्रूफ के साथ यहाँ से आप सभी को दिखाऊंगा कि यहाँ से 28 का हमारे पास आ चुका है। आप लोग भी अपनी आंसर की देख कर मुझे बता सकते हो। और आगे अब क्या भर्ती निरस्त होगी, थर्ड पॉइंट है। चौथा जो पॉइंट है, देखो अब व्यापम किसको किस किस को दिया धोखा। तो सीधे सीधे सी यहाँ से चार पॉइंट है फ्रेंड्स, चारों मोस्ट पॉइंट है। और यहाँ से मैं आपको बता दूं, जिसके नंबर अच्छे आए उनके लिए भी ये न्यूज अच्छी है और जिसके कम आए हैं दोनों के लिए यह न्यूज अच्छी है। तो इस वीडियो को आपको पहले तो लास्ट तक देखना होगा क्योंकि यहाँ से सभी के साथ धोखा होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहले तो न्यू है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि सीटेट की अगर आपने फॉर्म भरा है या वर्ग तीन की तैयारी कर रहा है तो हमारे वीडियो को जरूर देखिए, लाइव क्लास को, जो कि 6 PM चलती है और 7:50 चलती है, आप ले सकते हो। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ विद प्रूफ के साथ कैसे दिया व्यापम ने धोखा और क्या भर्ती कैंसिल होगी और किस किस को धोखा होगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखो, आपको दिख रहा होगा 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। तो यहां से देखो, मैं आपको इसको ओपन करता हूं, पहले तो ओपन करके दिखाता हूं। यहां से ओपन हो गया, देख लीजिए, आप लोग देख सकते हो। अब यहां से मैं ओपन करके मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहां से देखिए, आपको 28 फरवरी और 9:30 मतलब कि ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अब देखो यहां से पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के आप लोगों को पहले मैं एक दो क्वेश्चन बता दूं ताकि आप लोगों को नहीं ये लगेगा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था डैश डैश उम्र शुरू होनी चाहिए। तो ये इसमें दिया था 7 आंसर। एक दो क्वेश्चन और बता दूं फर्स्ट के। सेकंड, यहाँ से निम्न में से कौन सा कार्य क्षेत्र में व्यापक है। तो यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा शिक्षण रणनीति, जो कि ए ऑप्शन है। और अगला यहाँ से मैं आपको दिखा दूं IEP अनुदेशन के प्रमुख रूप है। तो यहाँ से जो आपको मैं इसका आंसर इसका भी दिखा दूं, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट देख लिए। अब देखो मैं चलता हूँ, जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि गलती इन्होंने क्या की है, जो कि छात्रों ने बहुत पहले ही कह चुके थे बट सभी लोग ऐसा गलत समझ रहे थे। अब देखते हैं कि इन्होंने पूरा पेपर ही चेंज कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए इस पेपर में आप लोग पहले तो ये देख लीजिए, सेकेंड नंबर पर जो आप देख सकते हो यहाँ से इंग्लिश दी है। क्या दी है? सेकेंड पर इन्होंने इंग्लिश दी है। अब देखो बात चलते हैं यहाँ से थर्ड पर क्या दी है, उसको मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने हिंदी में चेंज किया है। हिंदी में क्या किया है उसे भी आप लोगों को इसको विद प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको लास्ट में वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि जिनके नंबर अच्छे आए तो उनके साथ भी कुछ होने वाला है। तो यहाँ से देखो, आपको हिंदी की बात करते हैं, यहाँ से हिंदी की, दौलत पन पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चार। तो इस तरीके से ये देखो आपको हिंदी का पद दिख रहा होगा। अब देखो चलते हैं आगे, यहाँ से आपको ये पद है और अब हम चलते हैं गद्य की ओर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, अब देखो यहाँ से आपको गद्य भी मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से गद्य क्या दिया है, कामना यदि राजकीय शासन का अर्थ हत्या और अत्याचार है। तो ये दिख रहा होगा, आप याद रखना, कामना यदि राजकीय शासन का अर्थ हत्या और अत्याचार है। और उधर आप देख रहे होंगे यहाँ से जो आप लोगों ने देखा ही होगा, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। अब देखो ये दो पद और गद्य है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो चेंज करके क्या दिया इसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा सेकंड पेपर हमारे पास है, जो कि अभी नई इन्होंने आंसर की डाली। आप देखो इसे हम यहाँ से कन्वर्ट करते हैं और यहाँ से कन्वर्ट करके देखो आपको मैं सीधा सीधा यहाँ से दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, ये पहले तो 28 फरवरी 9:30 ये दूसरा पेपर और यहाँ से देखो वही क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अमूर्त, ये सारी देखो 7 आंसर था। दूसरा इन्होंने जो कि यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे ये दूसरा क्वेश्चन है, और इस तरीके से यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे ये बी आंसर था। अब चलते हैं देखो, अगर ये न्यू आंसर की है, अब देखो इसमें क्या बदलाव किया, पूरा बदलाव किया है।
और यहां से देखो आपको इन्होंने देखो फर्स्ट उस वाली आंसर पुरानी आंसर की मैं यहाँ इंग्लिश दी थी, अब आप लोग देख सकते हो यहाँ हिंदी दी है। अलग अलग लोगों के विकास में देखो आप लोग देख रहे होंगे पूरा ही इसका चेंज कर दिया यहाँ से पद। अब चलते हैं हम आपको गद भी दिखा देते हैं और आप लोग प्रूफ के तौर पर आप देख सकते हो खुद आंसर की पीवी की साइट पर जाकर फ्रेंड्स, तो उसमें बदलाव किया गया तो आप ये वहां से भी देख सकते हो। अब देखो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूं यहां से। देखिए फ्रेंड्स यहां से जो हम लोगों ने दौलत से करके था, पर यहां से देखो आप गद देख रहे होंगे मनुष्य हो तो वही रस खानी वसो ब्रज गोकुल गांव में गौर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों में बहुत पूरा चेंज कर दिया गया, तो इस तरीके से ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमने जो बात की थी उस बात को देखते हैं, तो आप देख सकते हो अपनी अपनी आंसर की मिला के। अब फ्रेंड्स पेपर क्या निरस्त होगा, मैं आप सभी को बता दूं पेपर निरस्त नहीं होगा। अब यहां से ये पेपर निरस्त नहीं होगा तो अब क्या होगा मैं आपको बता दूं, जिनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि धांधली फिर से शुरू होने वाली है और आपको क्या धांधली हो रही है। तो इस तरीके से अब आप लोग जागरूक हो जाइए, कुछ कीजिए, नहीं तो जिसके नंबर अच्छे हैं उनको भी जॉब मिलना कठिन हो जाएगा और जिसके नंबर अच्छे नहीं है तो उनका तो सब लोग देख ही रहे होंगे कि यही कारण है कि तो इनका। और आप लोग इसका एक और विरोध कर सकते हो जो कि इनका सिलेबस चेंज, जो कि अपने सिलेबस से हटके इन्होंने दिया है, तो इसका भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो कि इनका सीधा सीधा स्टूडेंटों के साथ कहीं ना कहीं धोखा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि ये व्यापम का बहुत बड़ा धोखा है छात्रों के साथ कि ये हर पेपर में यही किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।